स्टूडेंट, अपने पिछले पीरियड में हम लोगों ने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था, है ना। अभी हम लोग अपनी स्टडी आगे चालू रखते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 की, इन सर्च ऑफ पीस बुद्धा एंड महावीर। यहाँ पर हम लोग महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। जैनिज्म ऑल्सो हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडियन सोसाइटी लाइक बुद्धिज़्म। जैसे कि बुद्धिज़्म है, वैसे ही जैनिज़्म भी हमारी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है। देर आर टोटल 24 तीर्थंकर इन जैनिज़्म। आगम्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ नोइंग अबाउट जैनिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वॉज ऋषभदेव और आदिनाथ। 23rd तीर्थंकर वॉज पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ वॉज द सन ऑफ किंग अश्वसेन ऑफ काशी। ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30 एंड बिकम हैमिट एंड प्रीच्ड। ही ओपन्ड वैदिक रिलीजियन एंड रिचुअल एंड कास्ट सिस्टम। ही गेव द प्रीचिंग ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस, असेय एंड नॉन पजेसिवनेस। आफ्टर हिम महावीर स्वामी वॉज द 24th एंड लास्ट तीर्थंकर। We will learn about him. महावीर स्वामी early life. महावीर स्वामी was born in ज्ञात्र क्षत्रिय dynasty of कुंडग्राम, Republic of वाजी Union. His childhood name was वर्धमान। His father name was सिद्धार्थ, was the king of the Republic. महावीर स्वामी's mother name was त्रिशला देवी। His elder brother's name was नंदीवर्धन। Like Gautam Buddha, महावीर स्वामी was also a prince. Thus, he acquired knowledge of the many arts. He was married to a princess, Yashoda. His daughter's name was प्रियदर्शिनी। जैसे हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था, वो भी एक प्रिंस थे और महावीर स्वामी भी एक प्रिंस थे। उनके जो फादर थे वो एक रिपब्लिक के राजा थे। लिविंग होम एंड साधना। ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30 years इन सर्च ऑफ नॉलेज। ही लिव्ड लाइफ एज अ भिक्षुक, यानी कि बेगर, एंड डिड अ हार्ड पेनेंस फॉर 12 years। उन्होंने 12 साल तक साधना की थी और एक भिक्षुक की तरह अपना जीवन बिताया था। ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपलिका वी अटेंड द हाइस्ट नॉलेज लाइक केवल ज्ञान। उसको केवल ज्ञान बोलते हैं, जो उन्होंने नॉलेज एक्वायर किया था उनको केवल ज्ञान बोलते हैं। एज ही कॉन्क्वर्ड हिज माइंड एंड सेंसेस ही वॉज कॉल्ड जिन। सच ग्रेट माइटी वर्धमान केम टू बी नोन एज महावीर। जिस तरह से उन्होंने साधना की थी उसी तरह से उनको जिन बोला जाता है और इसी तरह से उनका नाम वर्धमान से क्या पड़ गया, महावीर। उनके प्रीचिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। लाइक बुद्धा, महावीर स्वामी टू बिलीव्ड दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ द फियर एंड सोरोज। ही रिजेक्टेड गॉड्स एक्सिस्टेंस। ही टीचिंग आर नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री रत्न। ही प्रीच्ड द फॉलोज 5 वोज। नॉन वायलेंस, महावीर स्वामी बिलीव्ड दैट वायलेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इविल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। There should not be violence of any kind. Even the smallest creature has the right to live. Even mental violence should not be done. Protecting animals is the real duty of human beings. Truth, we should never speak lies. We should not speak without thinking or understanding. We should abstain anger to follow the truth. The truth should always be followed in every situation. Asteya, theft is the biggest evil. We should not take anybody's thing without his or her permission. Entering anybody's house without permission is also like stealing. By saying so, he tried to keep the society of that time away from stealing. Non-possessiveness, yani ki aparigraha. Men should not store goods, possession, ornaments or clothing beyond their requirement. Keeping the things as per requirement reduce collection instinct. And a person and thing like grains rich up to poor people. This was his important message. उन्होंने जो अपरिग्रह का जो मैसेज दिया था वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उन्होंने कहा था कि आपको जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें अपने पास रखिए। ब्रह्मचर्य, ही स्पेशली टोल्ड जैन मॉन्क्स एंड नन्स टू ऑब्जर्व सेलिबेसी। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए भी कहा था। सो ये जो 5 उनके वॉज थे उनको जैनिज्म में बेस माना जाता है और जैन जो लोग फॉलो करते हैं जैनिज्म वो इनको बिलीव करते हैं और इन रूल को फॉलो करते हैं। त्रिरत्ना, रत्नत्रयी डॉक्ट्रिन मीन्स साम्यक वजन
सम्यक नॉलेज एंड सम्यक बिहेवियर, ये जो रत्नत्रयी है उनको त्रिरत्ना के नाम से भी जाना जाता है। महावीर स्वामी एज अ ग्रेट रिफॉर्मिस्ट, महावीर स्वामी अपोज्ड रिचुअल एंड सेक्रीफाइसेस, ही रिजेक्टेड प्रेजेंस ऑफ गॉड, ही कंडेम्ड एनिमल सेक्रीफाइस इन यज्ञ, ही सेड दैट द वुमन शुड बी गिवन इक्वल राइट लाइक बुद्धा, ही टू प्रीच्ड इन पीपल्स लैंग्वेज दैट इज प्राकृत और अर्धमगधी, विथ हिज सिंपल एंड ईजी टीचिंग ही चेंज द पीपल्स लाइफ। निर्वाणा, ही डाइड एट पावापुरी एट द एज ऑफ 72। महावीर स्वामी का निर्वाण भी 72 की एज में हुआ था। उन्होंने भी गौतम बुद्ध की तरह बहुत सारे रिचुअल्स थे उनका विरोध किया था, और उनको भी ऐसा लगता था कि यज्ञ में जो दिया जाता है, बलि दिया जाता है, वो अच्छा नहीं है, और अपने जो वुमेन है उनको भी इक्वल राइट मिलना चाहिए। गौतम बुद्ध की तरह उन्होंने भी अच्छे लोक कार्य किए थे। सो यहाँ पर इन दिस वे अबाउट 2500 ईयर्स अगो पीपल गॉट न्यू आइडियाज, रिलीजियस रिचुअल एंड डिफ्लेमेंट वेयर रिमूव्ड, पीपल बिकम हिज फॉलोअर इन अ लार्ज नंबर, बोथ प्रीचर्स ऑब्लिज पीपल टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ पीस एंड वर्च्यू, दिस दस दे प्रमोटेड द वर्च्यू इन सोसाइटीज। इस तरह से उन्होंने सोसाइटी में अच्छे जो कार्य किए थे उनके बारे में यहाँ पर हमने पढ़ा, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के बारे में।